जब जहन के जर्रे जर्रे में पैसों का पागलपन छा जाए तो दिमाग और दिल दोनों शून्य हो जाते। उत्तर प्रदेश के डॉक्टरों के साथ लगता है मामला कुछ ऐसा ही है। ना जाने वो किस ग्रह से आए हैं और ना जाने उनके भीतर इंसान है या जल्लाद, और ये भी नहीं पता कि उन्होंने यूपी के अस्पतालों को कब कसाई खाना बना दिया। मामला सुल्तानपुर का है जिसके बारे में सुनकर आपका कलेजा भी मुंह को आ जाएगा। 48 साल के अतुल पांडे रेलवे ट्रैक को क्रॉस करते हुए ट्रेन की चपेट में आ गए और पैर जिस्म से अलग हो गए। तड़पते अतुल की सांसें बच जाए इसलिए लोग उन्हें फौरन लेकर नजदीकी अस्पताल गए। डॉक्टरों ने सारे रॉकेट साइंस लगा लिए, फिर मरीज को बेड पर लिटाकर कटे पंजे को पैरों के नीचे रख दिया। नजदीकी अस्पताल के डॉक्टरों ने हालत देखते ही हाथ खड़े कर दिए और कटे पंजों को प्लास्टिक में बांधकर परिजनों को सौंप दिया। ठीक वैसे ही जैसे घर के कूड़े को कचरे के प्लास्टिक में बेकार समझकर फेंक देते हैं। जाहिर तौर पर धरती के उस भगवान पर शैतान सवार रहा होगा, ना तो किसी की करहा पर वो कांप सका और ना ही किसी इंसान की तड़प देखकर उसके भीतर की इंसानियत तड़पी। वैसे ये शर्मखोरी का मलिन किस्सा सिर्फ उत्तर प्रदेश के डॉक्टर ही लिख सकते हैं। कुछ दिनों पहले झांसी के एक अस्पताल में भी लिखा गया ऐसा ही किस्सा। इन डॉक्टरों पर इतिहास की कोई किताब लिखी जाए तो झांसी के डॉक्टरों की करतूत सबसे टॉप पर होगी। याद है ना, झांसी में एक मरीज के पैर सड़क हादसे में अलग हो गए और पैरों को डॉक्टर ने तकिया बना दिया था।